नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और आपका तीसरा हो जाता है विसर्ग संधि। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। आइए पांचों भेद ठीक से समझते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कोई भी शब्द का दूसरा या तीसरा वर्ण बड़ा दिख जाए, वैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ या री दिख जाए तो दीर्घ संधि। आइए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे विद्यालय, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो विद्या धन आलय। ये देखिए आ धन आ बराबर बड़ा आ। अगला उदाहरण आइए देख लेते हैं। ई वाला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रविंद्र, का संधि विच्छेद कर लेंगे तो रवि धन इंद्र, छोटी ई बटे बराबर प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। आइए अब उ को उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लघुर्मी, तो ये हो जाएगा लघु धन उर्मी। ये देखिए ये छोटा उ ये बड़ा उ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा उ। आइए अब री को समझा देते हैं। अगर री कैसे देखने के बाद बने, जैसे आपका कोई दे दिया कोई शब्द पितृ ऋण, मतलब पिता का दिया हुआ ऋण या पिता का ऋण, तो इसको तोड़ेंगे तो पितृ धन ऋण, दो अलग अलग शब्द बन गए, एक अर्थ भी निकल रहा है। तो यहाँ देखिए एक री यहाँ से आ गया, एक री यहाँ से आ गया, तो ये बन गया री। आइए अब हम लोग गुण संधि की ओर के चलते हैं। आइए हम लोग गुण संधि समझ लेते हैं। किसी भी शब्द का दूसरा या तीसरा वर्ण में एक मात्रा दिख जाए, या इसको ए कहते हैं या ओ, इसकी मात्रा सबको पता होगी ऐसी होती है या तो ऐसे। आइए इसको उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे एक मात्रा, जैसे हो गया परमेश्वर, ये देखिए एक मात्रा यहां से तो गुण संधि, और एक ही इसमें और नहीं बताए और अर दिख जाए, अर हो जाए संधि विच्छेद करने को, तो सब गुण संधि में आएगा। आइए ओ को अब उदाहरण से समझ लेते हैं, कर लेते हैं। जैसे हो गया सर्वोदय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व धन उदय, आ हो जाएगा उ बराबर ओ। देखिए इस वैसे भी पकड़ सकते हैं मगर संधि विच्छेद के। देखिए इसमें एक मात्रा है, एक मात्रा कुछ भी दिख जाए तो गुण संधि। आइए वृद्ध संधि की ओर चलते हैं। वृद्ध संधि भी ऐसे ही है। देखिए गुण है तो एक मात्रा, और वृद्धि हो जाएगी, वृद्ध अगर होगी तो इसमें दो मात्राएं हो जाएंगी। आइए इसको समझते हैं। जहाँ किसी वर्ण के शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में दो मात्राएं दिख जाएं, समझ लीजिए वृद्ध संधि। एक मात्रा गुण संधि, दो मात्रा वृद्धि, मतलब गुण से अगर वृद्धि हुई तो वृद्धि मतलब दो मात्रा, ठीक है। आइए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये इसका उदाहरण हो गया, हम ले लिए एकाएक, अगर एकाएक जैसे दो मात्रा कोई भी दिख जाए तो समझ लीजिए वृद्ध संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन एक, तभी एकाएक। इसको आ धन ए बराबर ए, बराबर ए, मतलब ये देखिए दो मात्राएं बन गई, यहां से देखिए दो मात्राएं बन जा रही हैं। आइए अब हम लोग
अगली संधि की ओर चलते हैं, यड़ संधि। यदि शब्द के बीचों बीच या रा ला वा वर्ण में से कोई एक तथा इनसे इनसे पहले कोई आधा वर्ण, मतलब कोई आधा वर्ण इनसे पहले कोई आधा वर्ण हो आ जाए तो ये आपका यड़ संधि। यड़ मतलब आधा या तो या रा ला वा, आप समझ जाइए। आइए इसको उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, अत्याचार, अत्याचार, ये देखिए यह आया है और इनके पहले आधा आधा आया, आधा वर्ण आया है तो यण संधि। इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, अति धन आचार, ई धन आ बराबर या। आइए अगला उदाहरण समझ लेते हैं, केवल दो उदाहरण समझाएंगे। आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चन, आपका वादा है। इससे आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं, प्रत्येक, ये देखिए या के पहले आधा वर्ण आता है या आया है तो इसका हो जाए प्रति धन एक, तो ये ई धन ए बराबर ये बन जाएगी। देखिए यह आ गया है। तो आइए हम लोग आयात संधि की ओर चलते हैं, जो आपकी पांचवी संधि है। आयात संधि जहां बिना कोई मात्रा के कोई वर्ण दिख जाए, या फिर जहां शब्द के आरंभ में आए आए आओ आओ हो, वो सारे आयात संधि में आएंगे। आइए उसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे बिना कोई मात्रा से नयन, चयन, और आए आओ से, आए से पहले समझ लेते हैं, आए से जैसे शयन। ये देखिए इसको हटा दिए, ये आय बन जाएगा, ये इससे इससे दोनों से आय बन जाएगा। आय से आपका बन जाएगा जैसे नायन, नायक, ये देखिए यहाँ से बड़ा आ यक बन, नाय बन रहा है। औ मतलब पवन, ये देखिए यहाँ से औ बन रहा आ, यहाँ से तोड़ने के बाद वह बन जाएगा। आओ जैसे पावक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं तीसरी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सा 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 ओ के स्थान पर अगर विसर्ग बन जाए तो विसर्ग संधि। आइए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हरि विसर्ग चिन्ह लग गया, धन चंद्र, ये देखिए यहाँ सा के स्थान पे विसर्ग आ गया। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मिष्ठान, मी धन ठान, तो मिष्ठान बन जाएगा। ये देखिए इसका के स्थान पे विसर्ग का चिन्ह लग गया। आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विस्तार लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा वी विसर्ग धन तार। आइए इसको देख लेते हैं, मनोरथ, तो इसका बन जाएगा मना धन रथ। ये देखिए सॉरी ओ के स्थान पे विसर्ग चिन्ह लग गया। आइए व्यंजन संधि समझते हैं। किसी शब्दों के दूसरे या तीसरे स्थान पर किसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण पाया जाए तो उसके स्थान पर उस वर्ण का पहला वर्ण हो जाएगा। तीसरा या चौथा पाया जाए तो उसका पहला बन जाएगा, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए उसको उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे ऋग वेद, तो ये हो जाएगा आपका ऋक धन वेद। ये देखिए आपका यहाँ पे तीसरा वर्ण था तो यहाँ पहला बन गया।
आइए इसका पहला नियम पढ़ लेते हैं। इसका पहला नियम, च के स्थान पर त हो जाएगा। आइए इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे उच्चारण, उच्चारण तो इसका हो जाएगा उत धन चारण। आइए इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम, इसमें कुल 3 नियम है, ये सब देख लेंगे तो हमारा व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगा। इसके दूसरे नियम में है, ना के स्थान पर, स्थान पर ता हो जाएगा। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सन्मार्ग, सन्मार्ग तो यहां से हो जाए सत धन मार्ग। आइए इसका तीसरा नियम देख लेते हैं। तो इसका तीसरा नियम यह है, ता के स्थान पर ता ही रहेगा, ता के स्थान पर ता हो जाएगा। आइए उसको उदाहरण सब देख लेते हैं। जैसे उत्थान, उत्थान तो यहां हो जाएगा उत धन थान। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, विप तो जाल, ये हो जाएगा विपत धन जाल। तो साथियों, इस प्रकार हमारी संधि की सीरीज समाप्त होती है। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो उसको डिसलाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी रह गई है। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।